महामंत्री जी, क्या हुआ? बिच्छू राजा का सैनिक कोई संदेश लेकर आया है, भेजो उसे और साथ में चक्रपाणि को भी बुलाओ। जी महामंत्री जी। क्या हुआ महामंत्री जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ चक्रपाणि, जब बिच्छू राजा ने हमसे युद्ध का जवाब मांगा था तब मैंने उन्हें एक शांति प्रस्ताव भेजा था, अभी उनका सैनिक आने वाला है। क्या हुआ महामंत्री जी, क्या जवाब आया? वो कल ही युद्ध करना चाहते हैं, नहीं तो महल पर चढ़ाई कर देंगे। मेरे होते हुए इस महल की तरफ वो आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। चिंता ना करें महामंत्री जी, आप सिर्फ युद्ध करने की आज्ञा दें, मैं सब संभाल लूंगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम्हें आज्ञा दी। उसी दिन शाम को मिराज अपने मालिक के पास पहुंच जाता है, यह बताने कि युद्ध कल ही होगा। मिराज, तुम नहीं जानते तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है। अब देखते हैं सम्राट कुंभा बिच्छू राजा की इतनी बड़ी सेना का सामना कैसे करते हैं। अब तुम बस दूर से ही युद्ध पर नजर रखना, और जरूरत पड़े तो सम्राट कुंभा के सैनिकों को क्षति पहुंचाते रहना। सम्राट फिर से एक अनोखी दुनिया में पहुंच जाते हैं, लेकिन यह दुनिया दूसरी दुनिया से बहुत अलग दिख रही थी। फिर सम्राट को कुछ नजर आता है। सम्राट जब उस रोशनी के पास पहुंचने ही वाले होते हैं तब आवाज आती है, ठहर जाओ, तुम इसके अंदर ऐसे नहीं आ सकते हो। फिर सम्राट सब जगह देखते हैं लेकिन उन्हें कोई नजर नहीं आता। फिर भी सम्राट आवाज देकर पूछते हैं, मुझे इस दुनिया से बाहर जाना है, फिर कैसे जाऊं? दोबारा फिर आवाज आती है, तुम इसके अंदर जा सकते हो लेकिन तुम्हारे अंदर किसी तरह का अहंकार, स्वार्थ, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, नहीं तो तुम इसके अंदर जाते ही मारे जाओगे। मैंने हमेशा अपनी प्रजा की भलाई ही सोची है, मैं इस दुनिया में उन्हीं के लिए ही तो आया हूँ, अगर मुझे उनकी सुरक्षा के लिए अपने प्राण भी देने पड़े तो मैं दूंगा। ऐसा कहकर सम्राट उस रोशनी के अंदर चले जाते हैं।